यूपी के बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में हुई हिंसा से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। इस मामले में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें योगेश राज समेत किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता को हत्या का आरोपी नहीं माना गया है। एसआईटी ने कुल 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। माननीय न्यायालय में आज एसआईटी द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। इसमें कुल 38 लोगों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। एक अभियुक्त जो जेल में है उसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जो अभियुक्त अभी प्रकाश में आने हैं और जिनके विरुद्ध NBW दिया जा चुका है उनके विरुद्ध भी विवेचना प्रचलित रखी गई है। कुल 5 अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या और डकैती आदि अन्य धाराओं में साक्ष्य पाए गए जिनके आधार पर उनके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की गई है। अन्य 33 लोगों के विरुद्ध 307 आदि जो सुसंगत धाराएं हैं जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया उनके विरुद्ध अभियोग चार्जशीट प्रेषित की गई है। विवेचना अभी प्रचलित है और इसमें जो भी फैक्ट्स अभी अन्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।